जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछे थे कि मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है, ठीक है। तो उस प्रश्न का आंसर हम आज के वीडियो में बता दे रहे हैं और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको बताना है। तो मनुष्य के हृदय में यदि महिलाओं के लिए देखा जाए तो महिलाओं का हृदय का वजन होता है 250 ग्राम से 300 ग्राम तक, ठीक है। और यही यदि पुरुषों का हृदय का वजन देखा जाए तो 300 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है इसका वजन, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रश्नावली 9.1 का कक्षा 10वां का 5वां प्रश्न, ठीक है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए प्रश्नों को स्क्रीन पर दिखा दिया गया है और प्रश्नों को एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भूमि है और इसके 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है यहाँ पे उड़ रही है। इसका ऊंचाई कितना है? 60 मीटर का है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। सपोज मान के चलिए यहाँ पे भूमि में इस डोरी को क्या कर दिया जाता है? यहाँ से बांध दिया जाता है, ठीक है। बांधने के बाद क्या बोल रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री का है और यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा वह कितना डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का, ठीक है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए, यानी कि ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी, इसमें कोई ढील नहीं है, मतलब यह बहुत अच्छा तरह से तना हुआ है, बंधा हुआ है। तो इसका क्या याद करना है? इस डोरी की लंबाई याद करना है, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसे नाम दे दीजिए ए, बी और सी, यानी कि आपको ए सी को क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए लिख लीजिए, माना डोरी की लंबाई बराबर ए सी, ठीक है। ये पूरा एसी को आप मान लीजिए, चाहे आप ऐसा कीजिए, इसको आप डोरी की लंबाई को आप यहां से एल मान लीजिए, ठीक है। डोरी की लंबाई एसी बराबर एल मीटर, ठीक है। अब यहां से थीटा भी दिया हुआ है आपको, यहां पे थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए। आपका यहां से एक शिखर का ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर, यानी कि ए बी बराबर, लिख दीजिए यहाँ पे, शिखर ए बी बराबर कितना है? 60 मीटर का है, ठीक है। आपको इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहाँ देखिए लंब दिया हुआ है, आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं, कैसे? तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर, लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? तो लंब, यहाँ से लंब है दिया हुआ है और कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण बराबर आपका होता है साइन थीटा, साइन थीटा। अब लंब आपका क्या है? तो लंब आपका ए बी है बटा कर्ण क्या है? तो कर्ण आपका ए सी है बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह पर कितना है? 60 डिग्री है। अब यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर आपका 60 है बटा ए सी, ए सी को आप माने हैं एल बराबर साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो रूट थ्री बटा टू होता है, रूट थ्री बटा टू, ठीक है। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना? 60 दुना का 120 बराबर रूट थ्री एल हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए कि इसको इधर ले आइए, तो 120 बटा में रूट थ्री हो जाएगा बराबर एल। अब यहाँ भी देखिए आपका आ गया बटा में रूट आ गया, तो बटा में रूट आ जाने पर इसको क्या करते हैं आप? हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पे लिख दीजिए हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। जब हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 120 बटा में रूट थ्री गुना रूट थ्री बटा रूट थ्री, ठीक है। यहां से 120 को रूट थ्री से गुना कीजिएगा तो आपका 120 रूट थ्री हो जाएगा
बटा रूट थ्री को रूट थ्री से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब थ्री से 120 को काट दीजिए, तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 40 बार में, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 40 रूट थ्री मीटर, यानी कि यहाँ से जो डोरी का लंबाई है वह कितना है, तो 40 रूट थ्री मीटर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान प्रश्न था, कोई भारी नहीं था, प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए और जैसे जैसे प्रश्न में बोला है आप उसी स्टेप्स इसको करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैथ के प्रश्न में बस इतना ही, और आज का आपका जीके का प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस, ठीक है, हंसाने वाली गैस का आपको नाम बताना है, ठीक है, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से, तब तक के लिए जय हिंद।